मुझसे ये पूछा कि आज डुडुल की रसोई में क्या बन रहा है, तो आज डुडुल को खुद नहीं पता कि उसकी रसोई में क्या बन रहा है। और यू कैन से कि आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूं, और जो कुछ भी बनेगा उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं। सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डुडुल की रसोई। और आज हम हमारी रसोई में कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एज यू कैन सी, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। यहां मैंने लिया हुआ है 1 कप छेना, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून क्रस्ट ग्रीन कार्डमम, और 10 से 20 किशमिश, केसर सिरप, ऑयल फॉर फ्राइंग, और 1/2 लीटर दूध। यहां हम सबसे पहले इस मिक्सिंग बोल में इस छेना और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने बाइंडिंग के लिए लिया हुआ है। इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से इस तरह पाम से प्रेस करते हुए स्मूथ करेंगे। इस छेने और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह नीड करके मैंने अपना डो तैयार कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम दूध गर्म होने के लिए गैस ऑन कर देते हैं। अब हम इस डो से इस तरह छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसमें किशमिश की स्टफिंग करेंगे। इसी तरह हम सारी गोलियां तैयार कर लेंगे। अब ये मेरी सारी गोलियां या बॉल जो भी कहिए वो रेडी है। अब हम इस गैस को ऑन कर लेते हैं और इस कढ़ाई के तेल को गर्म होने देते हैं। दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर और शक्कर ऐड करके धीमी आंच पे गर्म होते रहने देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये 1 छोटा चम्मच केसर सिरप भी ऐड कर देते हैं। ये तेल गरम हो चुका है। अब हम इन बॉल्स को इसमें डीप फ्राई कर लेते हैं।
था। तो ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। आप प्लीज केयरफुली इन बॉल्स को फ्राई करिए, गैस की आंच बिल्कुल भी तेज ना करें। बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। मेरे ये बॉल्स भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। इन बॉल्स को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर और इस दूध को इसी तरह हल्की आंच पे उबलने देते हैं। इस आधे लीटर दूध को उबालकर मैंने 400 ml कर लिया है और ये मेरे बॉल्स भी ठंडे हो चुके हैं, इन्हें अब हम इस दूध में ऐड करेंगे और धीमी आंच पर इस दूध को 5 मिनट तक उबलने देंगे। दूध में उबाल आ रहा है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब मैं मेरी इस एक्सपेरिमेंटल स्वीट डिश को सर्व कर लेती हूँ। फ्रूट्स के साथ इसे गार्निशिंग भी कर लेती हूं। आप चाहें तो इसे गरम गरम ही खाएं या फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये एक्सपेरिमेंटल स्वीट डिश पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करोगे। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।